हमने तो सोचा ही एक बार कि हम तो बर्बाद हो चुके, हमारा चैनल चला गया, तो दोबारा उसको मतलब रिकवर करने की कोशिश की तो उसके। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही है, करीब लगभग 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने से हमारा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। तो उसका कारण भी बताएंगे आपको पूरा, और क्या कारण था। चैनल रिकवर बहुत ही मुश्किल से चैनल रिकवर हुआ है हमारा, और जो भी बातें हुई है हमारे साथ में वो सब पूरी बताएंगे। लेकिन आप वीडियो पर बने रहिए, और जैसे हम देखते थे वैसे भी आपके कमेंट आते थे, लेकिन मतलब चैनल हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे। और बाकी पूरी बात है जो आपको बताएंगे, जो भी हुआ है, मतलब कैसे चैनल दूसरे के पास गया, क्या कारण था, क्या नहीं था, कैसे गलती हुई, क्या गलती हुई हमसे, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ आप बने रहिए वीडियो के साथ में। अभी तो मैं खेतों पर आया हूँ, अभी घर जाऊँगा, और जैसे चैनल रिकवर हुआ वैसे ही मैंने पोस्ट डाल दी कि भाई आज शाम को 7 बजे वीडियो आने वाली है। तो आप सभी के उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और मैं जानता हूँ जो 5-6 महीने बाद में आप सभी से मुलाकात होती है और ये तो मतलब आपसे भी मतलब बीच में बिल्कुल संपर्क टूट गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वो भी कुछ हमारी गलती से हुआ, जो कुछ भी हुआ हुआ। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और जो भी है वो आपको पूरी बातें बताई जाएंगी। तो अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके और फिर बैठ के और आपको पूरी बात बताता हूँ। तो भाई जी अभी घर पहुँच चुके हैं, और घर पहुँच के बिट्टू को अभी मिलाई धुलाई है इसको भाई। तो अभी ये बहुत, और इसके क्या भी डांट डांट निकल रहे हैं, तो ये बहुत परेशान है, बिल्कुल घायल सी हो रही है बच्ची एकदम से। और इसको भी आपने बिल्कुल बहुत छोटी सी देखी होगी, वही तो बिल्कुल छोटी सी थी। हेलो करो, टाटा करो, टाटा करो, टाटा करो, ये देखो भाई टाटा। अरे मेरी बेटी टाटा कर रही है भाई, क्या बात है। देखो ऐसी होती है, देखो बेटियाँ ऐसी होती हैं। देखो मेरे को खिला रही है, खुद नहीं खा रही, मेरे को खिला ला, खिला बिट्टू, बिट्टू खिला ला। पूरा नहीं देती है मुंह में, बहुत बदमाश है भाई ये, बहुत बदमाश। अब तो खा, अब तो खा, अब मैं नहीं खाऊं, अब मैं नहीं खाऊं बेटा, अब मैं नहीं खाऊं। देख जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती। अब तो खा ले, ऐसी होती है भाई बेटी। भाई 7 बज चुके हैं शाम के, और आज कुछ सर्दी तेज हो गई बिल्कुल। तो मैं बिट्टू को लेके और ऊपर आ गया। बिट्टू क्या है अभी सोती हुई उठी है, तो बिल्कुल एकदम से देखो कैसे हो रही है। अभी बिल्कुल बहुत बदमाश है, वैसे हंसती हुई उठती है, लेकिन इसके क्या अभी डांट डांट निकल रहे हैं, तो डांट डांट निकल रहे हैं, तो दस्त और जुकाम, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बिट्टू बहुत परेशान है भाई हमारी। अरे बिट्टू देखो कैसे घायल हो रही है, वरना ये ऐसी डरती क्या। अरे अब तक तो पूरे बेड पे बिल्कुल ये सब बर्तन वाड़े सब नीचे पटक देती है उतार के। अभी सूती उठी है देखो, अभी भी ओबासी ले रही है अभी तो है। तो अभी इसको खाना वाना खिलाएंगे भाई, हम दूध दूध पिलाएंगे इसको। वैसा बिट्टू की देखो बदमाशी चालू हो चुकी है, ये देखो कैसे। बस अब इसका यही रहेगा, इधर चढ़ना, इसको लेना, उसको लेना, बस इधर घूमती, बस परमानेंटली ये फिक्स है इसका बदमाश। शाम को मतलब 9-10 बजे के समथिंग सोएगी, 9-10 बजे तक सोती नहीं है, हम सो जाते हैं, उसके बाद में सोती है पूरी बिल्कुल। अब देखो कैसे कैसे बदमाश कर रही। बिट्टू चाय चाय पियोगे बेटा? चाय नहीं पिएगी भाई, तो दूध पिएगा, दूध 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 पिएगी। बिट्टू बिट्टू इधर देख बेटा, दूध पिएगो बिट्टू, दूध पिएगा, दूध पिएगा। लेकिन दूध के लिए हाँ भर ली, चाय के लिए नहीं, दूध दूध की कहते दूध। चाय पियोगी, चाय 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 पियोगी, कौन पिए भाई। देखिए कैसे हो रही है इसकी, देख टोपी। अरे रुक जा रुक जा, नहीं पिलाएंगे भाई, नहीं पिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे भाई, आपको चाय नहीं पिलाएंगे बेटे। अब बस ये बदमाशी रहेगी इसकी, पूरी चक्री रहेगी बिल्कुल। दोबारा उसको मतलब रिकवर करने की कोशिश की, तो 8 बज चुके हैं, और अभी खाना वाना खा पी के और ऊपर आ गए। तो समस्या सबसे बड़ी ये थी कि हमारा चैनल चल रहा था, बढ़िया वीडियो बना रहे थे, सब कुछ काम सही हो रहा था, और एकदम से एक बार क्या, मोबाइल जो था वो मनीषा के पास था, तो मतलब किसी का मैसेज आया कि भाई वो जो आता है ना रिकवर जीमेल वाला, तो उस पे इसने यस कर दिया,
तो मतलब हमारे मोबाइल से जो ट्रांसफर उसमें हो गया, फिर बाद में हमने हमारे मोबाइल पे उस पर वो हो जाते हैं, एक जीमेल जाता है, जीमेल पे वो अंक टाइप करने पड़ते हैं, जैसे तीन अंक तीन कॉलम आते हैं उनमें से एक को दबाना पड़ता है, तो वो हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। फिर धीरे धीरे मैंने किसी से जानकारी करके और अब जाके और वो रिकवर हो पाया पूरी तरीके से। जैसे पूरी तरीके से रिकवर हो पाया और अब आज से वैसे आपको परमानेंट वीडियो मिलेगी, हमारे बिट्टू बीच बीच में डिस्टर्ब कर देती है। तो वैसे मैं भी कल से यात्रा पर जा रहा हूँ, तो प्रेमानंद जी महाराज के जो वृंदावन में है वहाँ पर मैं पैदल यात्रा जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, बिल्कुल किसी को साथ में लेके नहीं जा रहा हूँ, मनीषा यहीं रहेगी, क्योंकि अभी बिट्टू की तबीयत हमारी कुछ खराब रहती है, तो मतलब ये भी बालक है, बच्ची है अभी, तो बाहर नहीं जा ले जा सकते, इसको अभी परेशानी आती है, तो वो भी मैं पैदल जा रहा हूँ। शायद 5-6 दिन का सफ़र रहेगा, जो प्रेमानंद जी के दर्शन करेंगे वो भी बताएंगे, और उनसे एकांतिक वार्तालाप में भी दर्शन होंगे उनके, तो वो भी बताएंगे। पूरा वृंदावन तो बरसाना पहले भी, वैसे वृंदावन बरसाना और ये 5-10-12 दिन डट के आए अपन वहाँ पर, पहले 10-12 दिन तक पहले घूम के आए हम, वृंदावन घूम लिए पूरा और बरसाना और नंदगांव है ना, और क्या और कहाँ घूमे, गोवर्धन जी ये मतलब सब घूम लिए थे, लेकिन अभी मेरी इच्छा है एकदम से कि मैं वृंदावन जाऊं बस, और पैदल यात्रा जाऊं, सबसे बड़ी बात है। छोड़ का है तो भाई, सबसे बड़ी बात है कि मेरी इच्छा है कि मैं पैदल जाऊं बिल्कुल भी, मेरी आस्था है श्री कृष्ण के प्रति और श्री जी के प्रति, तो इसको मतलब मैं ही संपन्न करना चाहता हूँ इस यात्रा को। और अगर मनीषा भी जाती, लेकिन अभी आप समझते हो हमारे बिट्टू देख कितनी बदमाश है, ये रुकती नहीं है भाई साहब, तो इसलिए मनीषा तो जा नहीं रही है और मैं जा रहा हूँ। और आपको वहाँ पर भी जो ब्रज की होली है उसके भी आनंद मिलेंगे आपको, तो ब्रज की होलियों के जितने भी मतलब गांव ब्रज में होली खेली जाएगी, तो उसके सबकी वीडियो बना के और आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो भाई हमने तो सोचा ही एक बार कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हमारा चैनल चला गया, तो आप सभी के आशीर्वाद से चैनल भी वापस आ गया, और कल पूरे 6 महीने बाद में वापस आया है, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए इसको, मतलब खेलने को नहीं मिलता कुछ भी, तो ऐसे गुस्सा हो रहा था इसको बहुत तेज, एक बार रोस रहा है, तो मतलब अब वापिस आ चुका है, और अब जो आपको नई नई वीडियो देखने मिलेंगी तो उसमें आप एंजॉय कीजिएगा, और कल से हम यात्रा पर जा रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। आप तो अभी भाई हमारे बिट्टू भी परेशान हो चुकी है, ये भी देखो इसको नींद आ रही है बिल्कुल, तो ये भी सोएगी, सोएगी बिट्टू सो खाने, आपने चैनल को सब्सक्राइब करे फोन करे नट जा ना नहीं करेंगे, मना करेंगे भाई, नहीं करेंगे कोई भी, नट जा मत करो, तो आप आशा करते हैं आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करने, और बाकी कल से आपको बाहरी बाहर के नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आपका प्यार और सपोर्ट पहले की तरह बना रहे हैं, तो फिर मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Hi.